गोंडपिपरी के ग्रामीण रुग्णालय में कार्यरत सफाई कामगार ही शराब विक्रेता निकला, जिसको लेकर अनेक प्रकार की चर्चाएं परिसर में हो रही है। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी है और वहीं गोंडपिपरी में स्थित आरोग्य विभाग में शराब मिलने से तहसील में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। ग्रामीण रुग्णालय परिसर में शराब मिलने से निरोगी आरोग्य की गवाही देने वाले स्थान पर जिंदगी के साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है, ऐसी चर्चा शहर में जोरों शोरों से शुरू है। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जिस प्रकार हमारे प्रतिनिधि नितेश डोंगरे ने जब पहली बार हम तक खबर पहुंचाई कि रुग्णालय में कार्यरत सफाई कामगारी शराब विक्रेता है। गुंडपिपरी ग्रामीण रुग्णालय के परिसर में शराब बिक्री की जाने की जानकारी पुलिस विभाग को कई दिनों से थी, मगर शराब विक्रेता तक जाल रचकर भी पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी। और वहीं पोला त्योहार के अवसर पर शराब विक्रेता का कार्यभार रुग्णालय में चल रहा था। रुग्णालय परिसर में जमा हुई भीड़ के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत रुग्णालय पहुंची और जांच करने पर सुरक्षा दीवार के पाइप के भीतर रिज्यूम स्पेशल विस्की की 25 बोतलें मिली और इस संबंध में शराब विक्रेता के रूप में रुग्णालय के ही सफाई कामगार अतुल तरेवार का नाम सामने आया और इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई कर आगे की जांच शुरू की है। दिनांक 2 सप्टेंबरला संध्याकाळच्या सुमारास एक माहिती मिळाली होती की हॉस्पिटलच्या परिसरात असलेल्या कॅन्टीनच्या परिसरात कोणीतरी दारू विकतो अशी माहिती मिळाली। त्यावरून पोलीस स्टाफ तिथे गेला असता तिथलाच एक कॅन्टीनमध्ये काम करणाऱ्या पोराची दारू ही त्या हॉस्पिटलच्या परिसराच्या बाहेर एका भिंतीलगत असल्याबाबत माहिती मिळाली होती। इथे पंचासमोर रेड कारवाई केली असता ते 25 निपा रिझ्यूम विस्कीच्या मिळून आल्या आणि त्यातील आरोपी अतुल तरेवार यास अटक करून कारवाई। वही संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि नितेश डोंगरे ने वैद्यकीय अधीक्षक प्रशांत पेंदाम से जानकारी हासिल की तो उन्होंने कहा कि कामगार को काम से निकाल दिया गया है। सीटीवी के हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे के साथ तंत्र निदेशक शैलेश गणवीर की रिपोर्ट। काल आपल्या दवाखान्याच्या बाजूच्या पाइपलाइन मध्ये अज्ञात इसमाने 25 दारूचा निपा देशी दारूचा निपा लपवून ठेवलेला होता। काल पोलीस कारवाई करण्यात आली असून त्या निपा हस्तगत केलेला आहे व आम्ही पोलीस विभागाला कळून पुढील चौकशी चालू आहे।